ओ भाई क्या हो रहा है ये? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लड़की बात कर रही है इससे। साइड हो जा, साइड हो जा, मुझे लिफ्ट चाहिए। साइड। अबे साले लिफ्ट चाहिए। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। क्या कह रहे हो आप? लिफ्ट नहीं मिल रहा है। लिफ्ट नहीं मिल रहा, ऑटो भी नहीं मिल रहा है। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना आपको? पटना से आ रहे हो? इधर से? यहाँ से पटना कैसे है? अच्छा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी क्या लिफ्ट चाहते हो? हाँ भाई मेरी बाइक में आ जाओ। पागल सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ए भाई आगे बढ़ो। गाइस देख लो भाई क्या कर रहा है। हाँ झगड़ा नहीं कर रहा मैं। अरे हम लोग दोस्त है, झगड़ा नहीं करते हम लोग। हाथ मिला भाई। यही नहीं अभी और सुनिए। सुन ले फुसरो हो गया उधर साइड और हम लोग को जाना है जाना मोड़ इधर। तो दोस्त का क्या सीन है? दोस्त को देखने नहीं जाना? तो एक काम करो, तुम दोस्त को देख के आओ, हम इसको देखते हैं। सो हेलो गाइस कैसे आप सब? आई होप गाइस आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सो गाइस अभी फाइनली घर से निकल चुके हैं। सुबह के बज रहे गाइस 8:30 और सुबह के टाइम पे कितना ज़्यादा फॉग है गाइस देख लो इधर रोड पे, ठीक है। और थोड़ा जल्दी अगर मैं निकल जाता गाइस तो मेरे को रोड भी दिखाई नहीं देती क्योंकि सुबह के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा फॉग था गाइस। सुबह मैं निकलने की कोशिश कर रहा था जल्दी, लेकिन सोचा भाई लेकिन इतनी जल्दी निकल के कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि भाई इतना सारा फॉग रहेगा तो आगे का कुछ दिखाई नहीं देगा, फिर मज़ा नहीं है चलाने में बाइक और ना ही आप लोगों को अच्छा खासा व्यू दिख पाएगा। इसी कारण से मैं जल्दी निकला नहीं, ठीक है। और अभी निकला हूँ और अभी के टाइम पे भी देख लो गाइस काफ़ी ज़्यादा फॉग जमा हुआ है। तो फिलहाल तो अभी गाइस जा रहे हैं बोकारो साइड और उधर से गाइस मेरा एक दोस्त भी मिलने वाला है मोनू, तो हम लोग दोनों आज साथ में राइड करने वाले हैं और देखते हैं गाइस आज चलेंगे हम लोग उस वाले 4 लाइन हाईवे पे चलेंगे, बिकॉज इस वाले हाईवे पे नहीं चलेंगे, वो जो ITI मोड़ से होते हुए जाता है ना गाइस रांची रोड उसी रोड पे चलने वाले हैं आज हम लोग, ठीक है। और आज के इस ब्लॉग में इस राइड में कितना ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोग फुल कंटिन्यू बने रहो। हेलो 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 भाई देख रहे हो छोटे छोटे बच्चों का प्यार गाइस। तो भाई फिलहाल तो अभी चल रहे हैं राइड पे और फुल कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहना, ठीक है। कहाँ पे हो? एक काम करो ना यहाँ जाओ, रेलवे स्टेशन जाते वक्त जिधर से रास्ता जाता है वहाँ पे आ जाओ। A few moments later, finally मिल गए। ये रहा मोनू भाई। तो साथ में गाइस अभी ब्लॉग बनाते हैं भाई। ये इंट्रो वगैरह दे रहा है, मैं इंट्रो वगैरह तो घर से ही करके निकला हुआ हूँ। तो गाइस चलते हैं गाइस अभी। भाई आप लोगों को बता दूँ कहाँ जा रहे हैं हम लोग। चलो ये चलते चलते। सो गाइस अभी फ़िलहाल तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने दोस्त से मिलने, ठीक है। वो उसका घर जैना मोड़ में, उसका घर जैना मोड़ में है गाइस और उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो अभी हम लोग मिलने जा रहे हैं उससे। तो उसका तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है अभी, 2-4 दिन से बुखार बहुत ज़्यादा है। तो मोनू भाई बोला कि चलो कोई बात नहीं चलते हैं, आज मेरा भी छुट्टी है तो हम लोग बातचीत करते हैं उसके बाद। भाई मेरा बैटरी भी चार्ज नहीं है गोपुरों में आज तो। ओ भाई क्या हो रहा है ये? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? लड़की बात कर रही है इससे। साइड हो जा, साइड हो जा, मुझे लिफ्ट चाहिए। साइड।
लिफ्ट चाहिए क्या कह रही है भाई? गाइस देख लो क्या कह रहे हो आप, लिफ्ट नहीं मिल रहा है। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना आपको? पटना से आ रहे हो? इधर से? यहाँ से पटना कैसे? अच्छा रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। तो अभी क्या लिफ्ट चाहते हो? हाँ भाई मेरी बाइक में आ जाओ। पागल सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। ए भाई आगे बढ़ो। गाइस देख लो भाई क्या कर रहा है। हाँ झगड़ा नहीं कर रहा मैं, अरे हम लोग दोस्त है, झगड़ा नहीं करते हम लोग। हाथ मिला भाई। यही नहीं अभी और सुनिए। हाँ हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर देना ठीक है। आर के मोटो ब्लॉगर और उसका नाम है हार्टलेस मोटो ब्लॉग, ठीक है। आराम से सब्सक्राइब कर देना। फुसरो? अरे भाई हम लोग को तो जैना मोड़ जाना है, फुसरो उधर हो जाएगा। कहाँ से? पटना से आ रही है ना? ये रेलवे स्टेशन से आ रही है बोल रही। रेलवे स्टेशन से तो काफ़ी दूर है। रुक के थोड़ा देख लेते हैं गाइस क्या सीन है इधर। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। सुन ले, फुसरो हो गया उधर साइड और हम लोग को जाना है जाना मोड़ इधर, तो दोस्त का क्या सीन है? दोस्त को देखने नहीं जाना? तो एक काम करो, तुम दोस्त को देख के आओ, हम इसको देखते हैं। सब्सक्राइब कर दिया चैनल? थैंक यू। क्या ना 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 इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं हम लोगों को। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब हम लोगों को कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं नहीं खराब नहीं, वो ठीक हो गया है, ठीक हो गया, उसका तबीयत ठीक है, सब ठीक है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। चलो आ जाओ देता हूँ मैं। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देख ले भाई यही दोस्ती। अरे भाई देख लो गाइस। अच्छा सुन भाई, इसी से पूछ लेते हैं कि किसके साथ इसको जाना है। आप बताओ आपको किसके साथ जाना है, मतलब दोनों जाएंगे तो दोनों ही, लेकिन किसकी बाइक पे बैठ के जाना है आपको? देख ले, सुन लिया? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। MT-15 देख लो गाइस। ना ना मत बेचो, रहने दो, तू बेच देगा तो फिर हमको लिफ्ट नहीं मिलेगा। कोई नहीं आप आ जाओ बैठ जाओ। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ बैठ जाओ, सो जाओ, कुछ भी करो। जगह कम है? ना ना, अरे मैं आगे हो जाऊंगा ना, बहुत जगह है, बहुत जगह है। चल ना भाई कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आगे आ रहा हूँ ठीक है, थोड़ा आगे होके बैठता हूँ ठीक है। वैसे आपको जाना कहाँ है? फुसरो जाना है। फुसरो में कहाँ पे? आप चलो ना मैं बता दूंगी। मतलब ज़्यादा दूर जाना है फुसरो? दूर नहीं, फुसरो में ही जाना है। चल चलते हैं पटेल चौक। हाँ हाँ पता है, कोई चीटिंग नहीं है, चल ना भाई एस्टेन उठा ले। फाइनली गाइस बेचारा मेरा दोस्त से भाई मोनू से लिफ्ट मांगी हुई थी, लेकिन भाई मैं बीच में आ गया। और गाइस अभी फ़िलहाल अभी मेरी बाइक पे बैठी हुई है और अभी मैं थोड़ा आगे होके बैठा हुआ हूँ क्योंकि इनको तकलीफ ना हो बैठने में। और भाई ये बता रही थी कि ये रेलवे स्टेशन से आई हुई है पटना से, टेम्पू से आ रही थी ठीक है, तो उसका ख़राब हो गया टायर ना क्या, तो बोल रही है मैं पैदल जा रही थी तब से लिफ्ट नहीं मिल रहा,
लिफ्ट दे दो। तो कोई नहीं भाई, हम लोग लिफ्ट देने के लिए ही है, ठीक है। इससे पहले मैं एक लड़के को लिफ्ट दे के आया हूँ, अभी लड़की को भी दे देता हूँ ना। हाँ हाँ, नाम क्या है आपका? पीयू। अच्छा नाम है, बहुत मस्त नाम है। हम लोगों को लैब तो जाना है, चलना भाई, दोस्त आता रहेगा, आते वक्त देख लेंगे दोस्त को, और क्या। दोस्त की तबीयत क्या है गाइस, तुम ही बताओ भाई, तुम लोग जो देख रहे हो ब्लॉग, भाई दोस्त की तबीयत तो ठीक होनी है, आज हो कल हो तो हो जाएगी, बेचारी लड़की तकलीफ में है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज। वैसे आप कितने देर से वहाँ पे खड़े थे, लिफ्ट मांग रहे थे? दो घंटे? ओ भाई, देखो गाइस, इसको लिफ्ट नहीं देता तो हम लोगों को कितना बुरा होता, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगता गाइस। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। कोई रोक नहीं रहा था भाई, इसलिए मैं आपसे पूछा। फुसरो उधर से ही जाता है ना? हाँ, चलो ठीक है। क्या कह रहे हो आप लोग, तो रोक अकेले राइड करते हो? ना ना, हम लोग दो जन अकेले कैसे हो सकते हैं भला। ना ना, मेरे ग्रुप में है ना और सारे, लेकिन मैं अधिकतर अकेला ही, मजा आता है मेरे को राइड वगैरह करने में, इसीलिए मैं अकेले ही ब्लॉग वगैरह बनाता हूँ, जाता हूँ। आपके साथ कोई लड़की राइड नहीं करती है? अरे हम लोग सिंगल लोग, कहाँ मिलेगा हम लोगों को लड़की। झूठ बोल रहा है। कोई भी नहीं है, बताया तो मैं, ना कोई भी नहीं है। जहाँ कुड़ी देखी वहीं पुड़ी बांधना चाहिए। सच बता रहा मैं, झूठ क्यों बोलूँगा? मैं एकदम शरीफ लड़का हूँ, मेरी पे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं सिंगल हूँ, प्योर सिंगल, शुद्ध शाकाहारी सिंगल होता है ना, वही हूँ। क्या ये कह रही है कि इनको भूख लगा है ना, क्या कह रहे हैं आप बताइए। अच्छा तो एक काम करते हैं, इसी होटल में रुक जाते हैं। भाई सुनना, यहाँ रुक जाए, कुछ खा ले। चलो ठीक है, अच्छा है गाइस, थोड़ा ज्यादा वक्त मिल गया। इतनी खुशी। थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं, थोड़े बहुत बातें करते हैं, ठीक है, मजा आएगा। क्या खाओगे आप? इनका कहना है कि दूर से, बहुत दूर से ट्रैवल करके आई है ये, तो भूख लग गया है, इनका घर अभी बहुत दूर है। हम लोगों को भी भूख लगा हुआ है भाई, सुबह से निकले हुए हैं, 8 बजे निकले हैं। चलो अच्छा, वो राइड करते करते भी थक गया थोड़ा सा, मैडम को थोड़ा भूख लगा है। वैसे आप इतने दूर से पटना से अकेले आ रहे हो, क्या करते हो? स्टडी के लिए। अच्छा तो अभी आप छुट्टी पे आए हुए क्या यहाँ? अच्छा बढ़िया है, फिर क्या खाना है बताइए। जो भी है नाश्ता वगैरह कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है, खाना वाना खा लिया है, थोड़ा सा 2-5 मिनट लेट हो गया है, वो जा रहे गाइस घर पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर से मिलते हैं बाद में, ठीक है, ओके, आराम से जाओ। तो मतलब आपका नंबर वगैरह कुछ मिल सकता है? गाइस मेरा बैटरी डाउन हो चुका है गाइस, मतलब गोप्रो का, और भाई अभी फिलहाल उनको ड्रॉप कर दिया है जहाँ पे जाना था उनको। सो गाइस नंबर वगैरह भी मिल चुका है, और नेक्स्ट टाइम ब्लॉग बनाने जाना होगा तो उनको बुला लेंगे गाइस, ठीक है। तो अभी फिलहाल घर जा रहे हैं, चलते हैं गाइस फटाफट से एक नए से ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बी सेफ एंड राइड सेफ।